सब्सक्राइब कीजिए निगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच करो या मरो वाले कड़े मुकाबले में रोहित की पलटन ने पंजाब के शेरों पर कमाल की जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी की तथा पोलार्ड के तेज अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 186 रन का बड़ा स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब की टीम ने केएल राहुल और एरॉन फिंच की शानदार पारियों के बावजूद पंजाब को हार मिली। ऑरेंज कैप पर हुआ राहुल का कब्जा, 94 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर लोकेश राहुल ने ऋषभ पंत से ऑरेंज कैप छीन ली है। राहुल के नाम अब 652 रन दर्ज है। वे आईपीएल 11 में सबसे पहले 600 रन पूरे करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सूची में दूसरे स्थान पर ऋषभ पंत है। इनके नाम 12 मैचों में 582 रन दर्ज है 548 रन के साथ। जोस बटलर तीसरे स्थान और है जिन्होंने 548 रन बनाए हैं। विलियमसन सूची में चौथे नंबर पर है, उन्होंने 544 रन बनाए हैं। 4 विकेट लेकर टाई ने पर्पल कैप पर किया कब्जा मजबूत। मुंबई के कमर तोड़ने वाले एंड्रू टाई ने 4 विकेट चटका कर पर्पल कैप पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। टाई के नाम 24 विकेट दर्ज है। उमेश यादव सूची में तीसरे स्थान पर है। यादव ने 17 विकेट अपने नाम कर लिए है, जबकि जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लेकर टॉप 5 की सूची में प्रवेश कर लिया है। पंजाब की उम्मीदें समाप्त, मुंबई की उम्मीद जीवित। 3 रन से पंजाब को हराने को बाद मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें अभी जिंदा है, जबकि पंजाब की उम्मीद लगभग समाप्त हो गई है। यदि मुंबई अब अगले मुकाबले में विजय हासिल कर लेती है तो प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि यह तो तय कि 3 टीम 14 अंक तक पहुंचेगी और अंत में नेट रन रेट के आधार पर यह तय किया जाएगा कौन अंतिम 4 में पहुंचेगा। आप अपना विचार कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपने निगा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।